चले हैं दिल्ली से श्रीनगर की तरफ अपनी ही गाड़ी में। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव है, निकलेंगे वाया ये अपना मुरथल, पानीपत, अम्बाला, करनाल, जलंधर, मुकेरियाँ, पठानकोट, फिर हम जम्मू। बताएंगे हम आज के टोटल इसमें मेरा इस छोटी सी गाड़ी में यार कितना पेट्रोल लगा है बेचारा, कितना टोल दे दिया हमने यहाँ पे, सब आपको बताएंगे। सो दिल्ली से बाहर निकलकर क्रॉस किया हमने मुरथल, मुरथल के बाद क्रॉस किया जी हमने पानीपत और निकल पड़े करनाल की तरफ। अब जब करनाल पहुंच ही रहे थे तो मेरे मन में आया ढाई घंटे की ड्राइव के बाद ही कि यार ये कश्मीर जाने का डिसीज़न हुई अपनी कार से, कुछ गलत तो नहीं डिसीज़न ले लिया मैंने, तो क्यों ना ब्रेक मार दी जाए इसी बात के ऊपर। तो ब्रेक ली गई, बट गाड़ी के ब्रेक के लिए नहीं, पहला टी ब्रेक के लिए यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल से अच्छा है सफ़र का मज़ा लेना, और मैं कहता हूँ सफ़र के साथ साथ अगर आप खाने पीने का भी मज़ा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लंबा सफ़र है, बीच बीच में रुकना भी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर का तो हाल ही वही होता जी कि चाय पीजिए और गाड़ी चलाइए, हमारे पीछे बैठी सवारियों को तो फुल आनंद लेंगी। ये हमारे साथ का सुखप्रीत है, इस भाई ने भी ब्लॉग बनाना है। सो भाई कह रहा था कि आप गाड़ी में बनाइए स्टार्टिंग, मैं गाड़ी के बाहर जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप सामने, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार जम्मू बाय फ्लाइट निकल जाए, बट मैंने कहा यार नहीं, बाय रोड ही जाएंगे हम, बेशक टाइम लगेगा, अब पंगा तो ले लिया हमने जाने का। इस साल टोल भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, जैसे आज 10 सितंबर है 2022, सो टोल इंक्रीज़ हो चुके हैं सारे, तो देखते हैं कि अब कितना टोल लगता है। अपना करनाल के बाद ये जो अम्बाला के लिए निकलते हैं वो तो शुरू से मुरथल से लेके करनाल अम्बाला तक फोर लेन हाईवे है, एकदम मस्त हाईवे, हरियाणा का हाईवे, क्योंकि ये इस हाईवे तो मोस्टली हम जब भी चंडीगढ़ या अमृतसर जाते हैं ये तो हमारा हाईवे देखा हुआ है अम्बाला, क्योंकि अम्बाले से दो कट मुड़ते हैं, एक चंडीगढ़ के लिए और एक जम्मू जाने के लिए, तो मुड़ पड़े हम जम्मू के लिए। और जस्ट अम्बाला क्रॉस करते ही आपको दिखेगा गुरुद्वारा मंजी साहिब, अगर हम लुधियाना या फिर अमृतसर अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी 15-20 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये गुरुद्वारा जो है जस्ट अम्बाला क्रॉस करने के बाद और पंजाब से पहले, यानी कि पंजाब एंट्री से पहले ये गुरुद्वारा पड़ता है पंजाब बॉर्डर पर, और वो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, ये वाला, यानी कि हमारे हरियाणा का आखिरी बॉर्डर, इसके बाद हम एंट्री करेंगे पंजाब के अंदर। कम से कम 60 किलोमीटर था। बैठो गाड़ी, बैठो। जम्मू 201। आनंद तो यार ये दोनों ही ले रहे हैं, यानी कि मैं तो सिर्फ ड्राइव कर रहा हूँ, खाली फोटो खींचना, व्यूज देखना। चलो बॉस, फिर से एक नया टोल चुलांग। टोल तो ऐसे इंक्रीज़ कर दिए इन्होंने जैसे कि सारा पैसा इन्होंने हम ही से लेना है, सरकार ने टोल का।
लीजिए, पठानकोट 50 और जम्मू 105, यानी कि वही 2.5 घंटे या 3 घंटे लगा लीजिए जम्मू के। 3.5 घंटे तो हमें गूगल मैप दिखाता है, तो वही 3.5 घंटे के आसपास हम जम्मू पहुंच जाएंगे। ये है आखिरी टोल यानी कि पंजाब का। इस टोल के बाद आपको यानी कि पंजाब की एंट्री, पंजाब की एग्ज़िट यहीं से, और ये है लखनपुर यानी कि कथुआ की एंट्री पॉइंट, जहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का एंट्री पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर का। तो हम जम्मू में पहुँच चुके हैं जी। ये जस्ट कथुआ का ना टोल क्रॉस हुआ है। टोल क्रॉस होते हुए ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ना आपको पकौड़ों की दुकान दिखेगी। इधर भी पकौड़े भाई था, उधर भी पकौड़े, साथ में चाय भी है। तो हम तो रुके हैं भैया पकौड़े खाने के लिए। तो मैंने भी सुना था यूट्यूब के ऊपर भाई कि ऐसे क्रॉस करते ही आपको पकौड़ों की दुकान दिखेंगी। तो बाहर निकलता हूँ, पहले मैं खाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आप जब आप आएँ तो आप खाना, ठीक है जी? चलिए बाहर चलते हैं। तो जी ये है कथुआ का, वहाँ से कथुआ का टोल टैक्स यानी कि जम्मू में एंट्री करते सारी ये आपको लाइन से पकौड़ों की दुकानें दिखेंगी। यानी कि ये हमारी गाड़ी और यहाँ से हम खाएंगे पकौड़े। 20 रुपये की प्लेट है जिसमें 6 पकौड़े आएंगे। तो मैंने तो मिक्स करवाया यार पकौड़े। तो जम्मू पहुँचे हम 5:00 PM और तावी ब्रिज के पास इस मार्केट में हमने लिया अपना होटल और तैयारी करी हमने नेक्स्ट मॉर्निंग जम्मू से श्रीनगर जाने। आज हम जम्मू से रात को जम्मू पहुंचे थे पूरे 12 घंटे बाद ड्राइव करके, बीच बीच में स्टॉपेज लेके जम्मू से निकले। आज सुबह हम ब्रेकफास्ट करके 7 के आसपास निकले और अब चल रहे हैं श्रीनगर की तरफ। बट जैसे कि बताया गया कि यहाँ से कम करीब 1 या 2 बजे तक हम पहुँचेंगे। 6-7 घंटे की जर्नी होती है यहाँ की जम्मू से श्रीनगर की। बट हाँ, वो कहते हैं कि व्यू अच्छे हैं जाने के लिए। ऐसे जैसे आगे चलते हैं आपको व्यू भी दिखाते हैं। हमारे लिए भी पहली बार है जाना ये। तो तैयारी करी हमने अब जम्मू से श्रीनगर फाइनली जाने के लिए। रात हम जम्मू में रहे थे और नॉन पीक होने की वजह से जम्मू में होटल सस्ते मिल गए हमें। जम्मू से निकलते ही कुछ ऐसा हमें व्यू देखने को मिला। 4 लेन पूरा रोड था, एकदम मस्त रोड यानी कि। तो जैसे ही जम्मू से हमने अपनी शुरुआत करी, वही ग्रीनरी, वही पहाड़ी इलाका जिसको हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। और करते करते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक के बाद एक हमें 4 टनल मिली। यानी कि वही कटरा से पहले ये 4 टनल हमने क्रॉस करी और सेम वही बात जैसे दिल्ली से चले थे। अब जब जम्मू से चले हैं तो टी ब्रेक तो बनता है यार। तो जस्ट उधमपुर क्रॉस करने के बाद जब ये पहाड़ी इलाका स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे अपना पहला टी ब्रेक लिया। वही बात आ गई, टी ब्रेक लेना है और साथ में क्या खाना है, आलू के परोठे। पिछले 6 किलोमीटर से हम चल रहे हैं, ये ट्रकों की लाइन नहीं मुक रही यहाँ पे, बड़ी लंबी लाइन है ये। और इतना अच्छा है कि लाइन एक ही तरफ है, यानी कि वन वे खुला हुआ है निकलने के लिए। बट ये लाइन है क्यों और ये चेकिंग किस चीज़ की है जो इतने ट्रक यहाँ पे हैं, अब यार ये तो आगे जाके पता लगेगा।
सो फाइनली अब हम पहुँचे हैं बनिहाल एरिया में। पिछला वो सारा एरिया निकलने के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन वाला, अब रोड यहाँ के साफ थे। और बता दी जाए बनिहाल वो एरिया जहाँ से आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन मिल सकती है। तो यहाँ से श्रीनगर ट्रेन जाती है डायरेक्ट, जो कि आगे तक बारामूला तक जाती है, यानी कि बनिहाल, काजीगुंड एंड श्रीनगर और आगे बारामूला तक। इसीलिए यहाँ से जो आगे का व्यू है और जो रोड है वो सेम फोर लेन है और अच्छे अच्छे व्यू दिखते हैं यहाँ से। हमें तो यूँ लगा जी बनिहाल क्रॉस करके ही मेन हमें कुछ एहसास हुआ कि हम अब कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं। उससे पहले तो बस यही था कि बस इधर पत्थर है उधर पत्थर है और पत्थरों में से हम निकल रहे हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too... देखो। तो हमें लगा भाई वो जो कॉन्वॉय थे उनकी लाइनें बहुत लंबी थी, तो हमने सोचा क्यों ना कॉन्वॉय की थोड़ा जो ये काफिला है थोड़ा आगे निकल जाए, हम क्यों ना टी ब्रेक ले लें। तो बस उसी की वेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा फिर से टी ब्रेक लिया, अदरवाइज तो हमें जरूरत नहीं थी, हम सीधा श्रीनगर पहुँच सकते थे। बट वही बात आ गई है फिर से वही बात, अब ड्राइवर चाय ना पिए तो क्या करें। लीजिए, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। श्रीनगर में आपका स्वागत है। और एक और बात बता दूं, कभी आप कश्मीर आए तो गूगल मैप के भरोसे मत रहिएगा। हम उसके भरोसे थे तो हमें पूरे 1 घंटा 15 मिनट लगे कश्मीर में घूमते घूमते। हमें जाना था गुरुद्वारा छठी पाशी, हम चाहते थे कि पहले वहाँ पे मत्था टेके एंड देन फिर हम अपने होटल जाएंगे। तो बस एक जरा सी गलती और 1.5 घंटा लेट हो गए हम। छठी पाशी गुरुद्वारा, शुक्रिया जी। शुक्रिया भाई जान।
तो ये है गुरुद्वारा छठी पातशाही जो कि सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी से रिलेटेड है। हम यहाँ पे आए मत्था टेका एंड देन हम निकल पड़े डल लेक के लिए। हमने सोचा कि पहले डल लेक घूम लिया जाए, गाड़ी पार्किंग लगा दी जाए, डल लेक घूमेंगे और रात को ही सीधा ही चेकिंग करेंगे होटल में। तो पहुँचे थे डल लेक, शिकारा में लुफ्त लिया यानी कि प्रॉपर। तो रात का लुफ्त लेने के लिए हम शिकारा में बैठ तो गए, पर क्या बताएं, एक तो वो अंधेरा, ऊपर से अंधेरे में ये चमकता हुआ पानी, हमें लगे डर कि हमने हम कहाँ बैठ गए। सो नाना करते भाई होश बस बैठ ही गए, बस क्या बताएं आपको। सो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं श्रीनगर में। अब कल उठेंगे और कल जाएंगे श्रीनगर से सोनमर्ग एंड जोजिला पास और वापसी पहलगाम तो हुए दिल्ली। सो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू एंड शब्बा खैर।